हाल ही में वोग ब्यूटी अवार्ड्स मुंबई में ऑर्गेनाइज हुए। इस इवेंट पर मलाइका अरोड़ा से लेकर विक्की कौशल तक कई बिग सेलिब्रिटीज ने शिरकत की, लेकिन सबका ध्यान सारा अली खान, कृति सेनन और रिया चक्रवर्ती पर रहा। तीनों ही एक ही समय पर एक इवेंट पर मौजूद थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इस इवेंट पर नजर नहीं आए। गौर करने वाली बात यह है कि सारा इस इवेंट पर रात 8:40 पर पहुंची, रिया 9:23 पर और कृति 9:40 पर पहुंची। एक तरफ सारा और रिया ने एक दूसरे को सिर्फ दूर से स्माइल किया और जैसे ही कृति को ब्यूटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, सब लोग सीटी और तालियां बजाने लगे, लेकिन सारा अपने फोन में तब तक बिजी रही जब तक कृति स्टेज पर रही। इसके बाद से ही गॉसिप वाले गलियारों में खबरें फैल गई हैं कि अपनी दोनों एक्स और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड की मौजूदगी की वजह से सुशांत ने इस इवेंट से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। दिशा पाटनी अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई रहती हैं। अपने बोल्डनेस और क्यूटनेस की वजह से वो फैंस के दिलों पर राज करती हैं। काम को लेकर भी दिशा कोई कमी नहीं बरतती। काफी वक्त से दिशा फिल्म मलंग की शूटिंग में बिजी थी। हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा था लास्ट डे ऑफ मलंग। और अब इसी के साथ दिशा ने फिल्म की टीम के साथ दो पिक्चर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। पिक को शेयर करते हुए दिशा ने कैप्शन में लिखा लास्ट डे ऑफ मलंग विद माय लवली टीम। एक पिक में जहां दिशा पूरी टीम के साथ नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरे पिक में दिशा केक काटती दिखी। वेल, दिशा की इस पिक को देखकर टाइगर भी कमेंट करना नहीं भूले। टाइगर ने कमेंट करते हुए लिखा कॉन्ग्रेट्स। हाल ही में बॉलीवुड 2020 में हमने आपको बताया था कि कबीर सिंह के सक्सेस के बाद अब संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर को लेकर फिल्म बना रहे हैं। संदीप ने जब रणबीर को सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का आइडिया सुनाया तो उन्हें नेगेटिव शेड वाला एक डार्क किरदार काफी पसंद आया। साथ ही ये भी बताया था कि फिल्म का टाइटल डेविल होगा, लेकिन रीसेंट खबरों की माने तो फिल्म में रणबीर कपूर नजर नहीं आएंगे। टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार ने फिल्म मरजामा के ट्रेलर लॉन्च पर इस बात को सिरे से नकार दिया है। अभी कोई एक्टर फाइनल नहीं है, ही इज स्टिल राइटिंग द स्क्रिप्ट, तो जब रेडी हो जाएगी तो वी विल ऑफिशियली अनाउंस इट। अप्रोच किया गया सर उन्हें? नहीं, अभी किसी को अप्रोच नहीं किया। नेशनल अवार्ड विनर विक्की कौशल ने बेहद कम समय में बॉलीवुड में कामयाबी हासिल की है और विक्की की फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। अपने फैंस के लिए विक्की अक्सर अपनी पिक्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं। विक्की कौशल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डेडपूल, ब्लैक पैंथर, बैटमैन, फ्लैश और कई सुपर हीरोज के साथ एक पिक शेयर की है। अपने पोस्ट के कैप्शन के जरिए विक्की ने बताया कि वो पहले इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान के बड़े फैन हैं। साथ ही उन्होंने लिखा आई लव शक्तिमान। इस पोस्ट से साफ हो गया है कि सुपर हीरोज के लिए विक्की कौशल काफी दीवाने हैं। करीब दो दिन पहले यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा की स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ग्रेटा की स्पीच से बॉलीवुड स्टार्स भी काफी इम्प्रेस हुए। देसी गर्ल ने भी इस वीडियो क्लिप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा थैंक यू ग्रेटा, हम सबको जगाने के लिए, अपनी जनरेशन को साथ लाने के लिए और हम सबको दिखाने के लिए कि हमें अच्छे से जानना चाहिए। वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक यही प्लैनेट है। एक तरफ प्रियंका के इस ट्वीट पर उनके फैंस ने जमकर प्यार लुटाया, लेकिन कंगना की सिस्टर रंगोली को देसी गर्ल का ये बयान रास नहीं आया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा डियर पीसी, अच्छा लगा। हाँ, ये यंग लड़की अच्छा काम कर रही है, मगर हमारे देश में भी बहुत लोग तन मन धन से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट ला रहे हैं। उनके लिए भी कभी कुछ प्यार के शब्द बोल दीजिए, अच्छा लगेगा। कबीर सिंह की सक्सेस के बाद कियारा इन दिनों हर तरफ सुर्खियों में है। फिल्म में कियारा और शाहिद दोनों के ही एक्टिंग को ऑडियंस ने खूब सराहा। कियारा आए दिन अपने फैंस के लिए भी सोशल मीडिया पर अपनी अपडेट देती रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर कियारा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी मिलान वेकेशन की पिक्चर्स शेयर की हैं। पिक में कियारा येलो कलर के क्रॉप टॉप में ब्राइट सनी वेदर को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। पिक को शेयर करते हुए कियारा ने कैप्शन में लिखा सन किस्ड, तो वहीं दूसरे पिक को शेयर करते हुए कियारा ने कैप्शन में लिखा मैं उन लोगों में से हूँ जो बेड पर जल्दी चले जाते हैं ताकि वो सुबह जल्दी उठकर अपना ब्रेकफास्ट कर ले, दिन का मेरा फेवरेट मील। देश के बिगेस्ट अपैरल और एसेसरी स्पेशलिटी चेन ट्रेडर्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के नाम अनाउंस किए हैं। नेशनल अवार्ड विनर विक्की कौशल और जाह्नवी कपूर को इस ब्रांड ने साइन किया है।
दोनों सितारे अब दिवाली तक टीवी पर इस ब्रांड को प्रमोट करते नजर आएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान विकी ने बताया कि वो इस ब्रांड से जुड़कर काफी खुश हैं और उन्होंने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की काफी तारीफें भी की। जाह्नवी कपूर ने भी इस ब्रांड की तारीफें करते हुए कहा है कि वो इस ब्रांड के कपड़े वाजिब दामों पर मिलते हैं और वो अब इस ब्रांड को प्रमोट करेंगी। सैफ करीना का लाडला तैमूर ना सिर्फ पापराजी का बल्कि हर किसी का फेवरेट स्टार किड कहलाता है। तैमूर के अडोरेबल लुक्स पर भी सभी प्यार लुटाते हैं, लेकिन उनके पापा मम्मी बेटे को नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं, जबकि लिटिल नवाब की मौसी करिश्मा कपूर का कुछ और ही सोचना है। एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा ने कहा है कि हमें ये बात समझनी होगी कि फिल्म इंडस्ट्री में होने के अपने फायदे नुकसान हैं। तैमूर इतना क्यूट है, उसे हर कोई प्यार करता है। पापराजी और फोटोग्राफर्स उनकी पिक्स हर वक्त लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब उसकी पिक्स ली जाती हैं, तो लोग उसे दुआएं देते हैं। करीना और सैफ को भी इसी तरह सोचना चाहिए। हम अपने बच्चों को नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं। घर और स्कूल में वो नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। सिर्फ जब वो कैमरों के सामने आते हैं तभी वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि करिश्मा भी तैमूर की पिक्स देखने के लिए सोशल मीडिया पर बेकरार रहती हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फेम पाने वाले आदित्य सील कोरियोग्राफर बॉस्को लेस्ली मार्टिस की पहली हॉरर कॉमेडी डांस फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आदित्य को मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट बताते हुए बॉस्को ने कहा कि आदित्य एक स्किल्ड डांसर, एक्टर और एक्शन परफॉर्मर है। उनका टैलेंट अभी तक बॉलीवुड में ठीक से उभर कर नहीं आया है, लेकिन इस फिल्म के लिए रोल में आदित्य परफेक्ट बैठते हैं और आदित्य की पर्सनालिटी इस कैरेक्टर में जान डाल देगी। फिल्म का प्रोडक्शन वर्क इस साल अक्टूबर से शुरू होने वाला है और बॉस्को ने ये भी खुलासा किया है कि वो फिल्म की शूटिंग अगले साल के शुरुआती महीने में खत्म कर लेंगे। आयुष्मान खुराना आजकल अपनी रीसेंट फिल्म ड्रीम गर्ल के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। विकी डोनर, अंधाधुन, बधाई हो, आर्टिकल 15 जैसी बैक टू बैक हिट फिल्म देने के बाद आयुष्मान ने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार आयुष्मान अपनी वाइफ ताहिरा और बच्चे विराजवीर और वृष्का के साथ हॉलीडे प्लान कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने बताया कि पिछला एक साल उनके लिए बेहद हेक्टिक था, जिसमें उन्होंने बैक टू बैक कई फिल्मों की शूटिंग की, लेकिन अब वो कुछ महीनों का ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स करेंगे। आपको बता दें, आयुष्मान की झोली में इस वक्त कई फिल्में हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान की कास्ट अनाउंसमेंट वाला एनिमेटेड वीडियो भी खूब पसंद किया जा रहा है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में मौनी ने बताया कि राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर कर उन्हें काफी खुशी हो रही है। मौनी के मुताबिक एक बेहतरीन एक्टर बनने में राजकुमार ने उनकी बहुत हेल्प की है और साथ ही रिहर्सल में भी मौनी का खूब साथ दिया है। राजकुमार की वजह से मौनी ने अपने एक्टिंग स्किल्स भी पॉलिश किए हैं। मौनी ने फिल्म के डायरेक्टर निखिल मूसले की भी तारीफ करते हुए कहा है कि निखिल ने उन्हें ऑन स्क्रीन नेचुरल रहने के लिए कहा था। थर्सडे को मुंबई में मिस डीवा 2019 ऑर्गेनाइज हुआ। इस दौरान रेड कार्पेट पर कई सेलिब्रिटीज नजर आए। मिस डीवा को एनकरेज करने के लिए कंगना रनौत भी इस इवेंट पर पहुंची। रेड कार्पेट पर लाउड म्यूजिक होने की वजह से सेलिब्रिटी मीडिया से इंटरेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन कई सितारे इस ग्लैमर से भरी शाम में नजर आए। मधु भंडारकर, तुषार कपूर, अपार शक्ति खुराना और शरद केलकर भी इस शाम का हिस्सा बने। साथ ही इस इवेंट की वजह से अब कुछ नए चेहरे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिलने वाले हैं। दिल्ली के सम्राट होटल में हाल ही में फेमस सिंगर शिबानी कश्यप और सूर्यवीर साथ नजर आए। दोनों सिंगर्स कोलैबोरेट करके एक न्यू सॉन्ग लेकर आए हैं। सॉन्ग लॉन्च के मौके पर दोनों सिंगर्स ने बॉलीवुड 2020 से अपने कोलैबोरेशन पर बात की। He's from Delhi. Delhi loves him. He does so many shows and this I like his musicality more than anything else. और जब हमने जैम किया, हमने डिसाइड किया कुछ कोलैबोरेट करते हैं। The tone of his voice is very, very unique. और इसी बात का मुझे बहुत मज़ा आया जब हमने ये डिसाइड किया कि हम ये वाला गाना करेंगे, अखियाँ डीग दिया विद द मैशअप ऑफ वे मैं चोरी चोरी। इट जस्ट साउंडेड वेरी मैजिकल एंड ही इज़ द वन हू टोल्ड मी कि आप लोअर रजिस्टर में करिए। थर्सडे को E24 के कैमरे में हमने सबसे पहले कैप्चर किया द स्काई इज पिंक की टीम को जुहू के सन एंड सैन में प्रमोशन करते हुए। इस दौरान प्रियंका फरहान के अलावा फिल्म की बाकी स्टार कास्ट भी नजर आई। इसके बाद हमने मलाइका अरोड़ा को भी बांद्रा के मुआ सैलों के बाहर स्पॉट किया।
राधिका मदान को भी हमने जुहू के पोइट्री केक शॉप के बाहर स्पॉट किया। सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल को भी हमने जुहू के किचन गार्डन के बाहर देखा। तो वहीं दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर को भी हमने बॉम्बे सैलेड रेस्टोरेंट के बाहर अपने कैमरे में कैप्चर किया। श्रद्धा कपूर को हमने दो अलग अलग जगह पर स्पॉट किया। सबसे पहले हमने उन्हें फिल्म सिटी के बाहर स्पॉट किया और फिर उसके बाद जुहू में कैजुअल लुक में स्पॉट किया। वरुण धवन को भी जुहू में जिम के बाहर देखा गया। शमिता शेट्टी को भी हमने जुहू के क्रोमो के सेलों के बाहर देखा। मुंबई में हुए 10th जागरण फिल्म फेस्टिवल में हमने दिव्यांदु शर्मा को भी अपने कैमरे में कैप्चर किया। शिवारंदन की फिल्म कैंडी ट्विस्ट द क्राइम स्टोरी की भी मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए।